हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी है ना, मैंने नाइट के टाइम से स्टार्ट किया है। रात को सारा काम मेरा हो चुका है, सब कुछ पूरा काम, खाना पीना, बर्तन, किचन निचन सब कुछ क्लीन हो गई है। तो यहाँ पर रात को जो ज़रूरी काम होता है ना, वो मैं यहाँ पर करके रख रही हूँ। कार्तिक के लिए मैं बादाम भिगो रही हूँ कुछ, तो बस उसके लिए मैं 4 बादाम जो है ना वो भिगो रही हूँ। और मैं अपने लिए वो जो क्या कहते हैं मुनक्का, वो मैं अपने लिए डालूँगी। तो ये रखे थे, काफ़ी दिन हो गए थे, तो ऐसे तो ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो इनको भी साथ के साथ भिगो देती हूँ और मैं खा लूँगी। क्योंकि मैंने ये जब लिए थे ना, तो कोई नहीं खा रहा था, क्योंकि इनके अंदर ना बीज होता है ना, तो वो मुंह में आता है ना, तो किसी को पसंद नहीं आ रहा था। तो और बहुत है, लेकिन ये है कि फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अब इंसान नहीं समझता तो क्या करें। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है, ये चीज़ खानी चाहिए, तो नहीं खाते हैं इसलिए मैं ज़ोर नहीं करती हूँ। तो फिर मैं खा लेती हूँ, चलो मैं ही खा लूँगी। और कार्तिक को बादाम रख दिए। अभी देखिए कितना टाइम हो गया है, रात के लगभग, रात के देखिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पर टाइम 11 बजने वाले हैं रात के। तो कार्तिक ना अभी तक नहीं सोया और घूम रहा है, और खाना पीना खाने के बाद आधी रात को वो फ्रूट खा रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग का, काफ़ी देर हो गई है वैसे मॉर्निंग में, क्योंकि है ना मैं बैठी हुई थी, अपना काम वाम कर रही थी एडिटिंग का। तो चाय बस पी के और बैठी हूँ, कार्तिक को स्कूल पहुँचाया। आज मैंने कार्तिक के टिफ़िन में दिया था पत्ता गोभी की सब्ज़ी, उसकी फेवरेट है, और रोटी दी थी घी लगाकर, तो ये बनाया था। और अभी दोपहर के लंच में बना रही हूँ दाल, चने की दाल, ये मैंने मॉर्निंग में देखी अभी कर रख दी थी, अच्छे से भीग गई है। तो चने की दाल बनाऊँगी, थोड़ी सी मैंने इसमें जो राहर की दाल होती है ना, क्या कहते हैं तुअर दाल, उसकी मैंने डाल दी थी। ये बहुत अच्छे से भीग गई है, फूल गई है, जल्दी पक जाएगी। तो ये बनाऊंगी, इसके लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है, तेल डाला है थोड़ा सा, और इसके साथ मैं डालूंगी ये लौकी थोड़ी सी। वही छोटी छोटी सी लौकी लाई थी, इतनी सॉफ्ट लौकी है कि इसमें एक भी बीज नहीं निकला, रही बहुत बढ़िया सी लौकी है। तो ये मैं डालूंगी, उसमें मिक्स करके बनाने वाली हूँ। तो इसलिए ना मैंने चने की दाल जो है ना मॉर्निंग के टाइम पर भिगो दी थी, क्योंकि चने की दाल ऐसी है कि काफ़ी टाइम लगा देती है पकने में। बाकी मुझे तो पता नहीं है आप लोग के यहाँ जल्दी पक जाती है या नहीं, लेकिन मेरे यहाँ ना ये चने की दाल ना बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 7-8 सीटी अगर बिना भिगोए हम चने की दाल को बनाते हैं ना, तो फिर ये 7-8 सीटी में पकती है। और अगर ऐसे भिगो कर बनाओ ना, तो मुश्किल से 3 से 4 सीटी में पक जाती है। तो मुझे 3 या 4 सीटी ही लगानी पड़ेंगी और देखना दाल पक जाएगी। तो चने की दाल ना थोड़ी सी लौकी के साथ बहुत अच्छी लगती है, और इतनी सॉफ्ट, जब लोग देखे होंगे कितनी ज़्यादा, एक तो ये बहुत ही छोटी सी थी इसीलिए मैं काफ़ी सारी ले आई थी, और अब ना लौकी को ख़रीदने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ ना लौकी के साथ कि अब मेरे घर में इन लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि मैंने लौकी किस में डाला है और क्या बनाया उसका। अभी मैंने कुछ दिनों पहले मतलब चीले में भी कहीं, चीले का तो नहीं बताया था, लेकिन हाँ जो अप्पे है ना उसमें भी मैंने डालकर बनाए कहीं चीले में, और भी चीज़ें बहुत सी जो इस तरीके की हैं।
तो ना मैं ये कद्दूकस करके लौकी को डाल देती हूँ। और आजकल तो मैं लौकी को ना कद्दूकस करके दाल में तक डालने लगी हूँ, और उसमें तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता, ना मात्र के बराबर, मतलब कोई दूर दूर तक उसमें ढूंढ ही नहीं सकता कि इसमें लौकी मैंने डाला है। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब ट्रिक है जो मुझे पता चला, तो मैंने अपनी ही सोचा और फिर मैं ऐसे बनाने लगी। तो अब आजकल ना मुझे लौकी लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, इसलिए मैं बहुत अच्छी मिल जाती है तो मैं ले लेती हूँ। और इस बार इतनी सॉफ्ट मिली ना, बहुत ताज़ी ताज़ी, ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी अभी की है। तो मैं लेकर आई थी ना, जैसे ही मैं सोच रही थी बना लूँ, पर वही रह जाती हूँ क्योंकि कोई कोई चीज़ें रखी रहती ना, तो फिर बनाने का मन नहीं करता। और इसलिए भी नहीं करता क्योंकि मैं अकेली ही अगर बनाऊँगी बिना सब्ज़ी, तो फिर वो सब्ज़ी मुझे अकेली खानी पड़ेगी। सब्ज़ी ऐसी है कि पता चल जाता है लौकी की सब्ज़ी है तो नाक मुँह बनाते हैं घर पे। तो इतना कुछ उसमें ट्राई जो है ना वो करती रहती हूँ। तो इसलिए देखिए सब लोग ना खाने भी लगे हैं लौकी, तो मैं इसीलिए चने की दाल में बनाई हूँ। और दाल में चढ़ा कर आ गई थी धीमी आँच पर, तो सोचा जब तक मैं यहाँ पर साफ़ सफाई जो ना कर लेती हूँ। अब मैं डेली ही क्लीनिंग डस्टिंग थोड़ी थोड़ी करने लगी हूँ ना, तो काम उतना ज़्यादा दिखता नहीं है और घर ना एकदम साफ सुथरा रहता है। पहले मैं पूरे हफ्ता भर का जो काम है ना एक दिन लेकर बैठे रहती थी, लेकिन अब ऐसा वाला सिस्टम नहीं रहा क्योंकि अब मैं सोचती हूँ कि चलो घर पे ही तो थोड़ी सी क्लीनिंग जो है ना रोज़ रोज़ अगर किसी किसी चीज़ों को पोछ दिया जाए ना तो घर काफ़ी बेटर लगने लगता है। और पहले मैं सही में नहीं करती थी, मतलब डेली डेली देखिए सच बताऊँ तो नहीं कर पाती थी, क्योंकि देखिए मैं बनाती थी पापड़ उस टाइम पे, तो डेली डेली मुझसे क्लीनिंग नहीं हो पाती थी। तो मैं हफ्ते के लिए पूरे काम ना जो इकट्ठे करके रख लेती थी, और त्यौहार के टाइम पे बिल्कुल इकट्ठा जो है ना लोड हो जाता था। तो जैसे नवरात्रि हो गए या और भी जो त्यौहार आते रहते हैं ना बीच बीच में छोटे, तो उनके लिए ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो अभी ना बिल्कुल एकदम ज़्यादा काम नहीं है, बिल्कुल हल्का है सब कुछ, मतलब हाथ के हाथ करते जाओ ना तो काम इतना बढ़ नहीं रहा है मेरे लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि चलो साथ के साथ निपटा लो कामों को भी तो दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए ना थोड़ी थोड़ी से काम भी जो है ना मैंने धीरे धीरे करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि फेस्टिवल जो है आने वाले हैं, तो इस वजह से अभी से करना स्टार्ट कर दूँगी ताकि अपने को भी कुछ रेस्ट मिल सके। और पता चला मैं, और मेरा तो होता ही ऐसा, मैं अभी तो नहीं कह सकती ऐसा, लेकिन अक्सर मेरे साथ ऐसे ही होता है कि जब भी फेस्टिवल आते हैं ना तो मैं त्यौहार तक के दिन काम में लगी रहती हूँ, कभी फुर्सत ही नहीं हो पाती हूँ। तो ऐसे ऐसे दिन मेरे चले जाते हैं, जैसे कि बिल्कुल दिवाली वाला दिन भी मेरा उसी दिन तक मैं काम में लगी रहती रही, तो पूरा समय बर्बाद चला जाता था, ना कुछ ढंग से मैं तैयारी कर पाती थी और ना चीज़ें ले पाती थी। चीज़ें का तो ऐसा है कि मतलब वही है कि हिसाब से ही मुझे लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्योंकि घर को मैनेज करके चलना होता है इस वजह से। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही है, इस बार तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो गई है क्योंकि अभी मेरा जो काम है ना वो बंद ही हो गया है, दो ढाई महीने हो गए हैं। तो अब मुश्किल है कि मैं चीज़ें को ज़्यादा खरीद पाऊँ, बस छोटी छोटी बहुत सस्ती चीज़ें जो है मैं ख़रीद लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है इस हिसाब में सही है, मतलब उस हिसाब से जितना होना चाहिए चीज़ों के रेट, तो इस हिसाब से मैं ले लेती हूँ। तो ना फिर देखते हैं फिर उस टाइम पे क्या हो पाता है क्या नहीं, अभी तो खैर ठीक है कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये टाइम हो गया था दोपहर का, सॉरी इवनिंग का टाइम तो हो ही गया था खाना पीना खाने के बाद, अभी मैं शाम टाइम फ्री हुई हूँ, तो अभी मैं उठकर आई हूँ, तो फटाफट से मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी अपने लिए
और उसके बाद मैंने किचन टावल जो है ना वो धोई थी, तो वो मैं उनको जमा दूँगी, तो बस ये काम जो है ना वो हो जाएगा। तो अभी मैं ज़रूरी काम से भी गई थी आज थोड़ा सा, अभी आई हूँ बाहर से लेकर, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम था, कई दिनों से ना टलता जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ आज काम को। और सच बताऊँ किसी भी काम को करने में ना हम सोचते ज़रूर हैं कि ये बहुत आसान है, हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन जब करने बैठो ना तो वो काम ना वाकई में ऐसा लगता है कि सच में कठिन है, या फिर हम कर नहीं पा रहे हैं, या हमारा जो दिमाग है, थॉट है, तो वो मतलब क्या सोचने पे मजबूर कर रहा है, ऐसा रहता है। मतलब मेरा दिमाग ना कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं, कुछ करना चाह रही हूं तो कर रही हूं या कर नहीं पा रही हूं, कुछ समझ में नहीं आ पाता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से अपनी बातें शेयर करना, अपनी मतलब मन ना थोड़ा सा हल्का हो जाता है। देखिए आप लोग मेरी इतनी अच्छी फैमिली है, इतना अच्छा परिवार है, और इतने सारे मेरे व्यूअर्स हैं, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बताना, शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना देखिए शाम के खाना की तैयारी हो रही, आज कार्तिक मेरी हेल्प कर रहा है। कल क्या हुआ, मैंने अचानक से थोड़ा सा काम कर ली थी, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कपड़ा धोने की कोशिश करी तो हाथ बहुत तेज़ दर्द होने लगा, फिर काम ना बन नहीं रहा था। तो यहाँ पर मैंने कार्तिक को आटा जो है सानने को दे दिया, कार्तिक ने आटा लगा दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर अब खाना बना रही हूँ। तो फटाफट से रोटी बस मुझे सेकना है, सब्जी बन गई है तो बस रोटियाँ मुझे बस सेकना बाकी है। तो रोटी भी सेक गई है, और कार्तिक से मैंने उसका काम करने के लिए बोल दिया है कि अभी अपने बादाम वगैरह जो है ना वो भिगो दे, तो वही वो फ्रिज से डब्बा निकाल रहा है और फिर अपने बादाम जो है ना वो भिगो देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।